अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण में उत्तर प्रदेश के हरदोई की पवित्र पावन मिट्टी शामिल होगी। आज दरबार श्री हरदोई बाबा महाराज एवं श्रवण देवी शक्तिपीठ की पवित्र पावन मिट्टी कोरियर के माध्यम से अयोध्या भेजी गई है। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए सदस्य दरबार हरदेव बाबा महाराज विष्णुदेव दीक्षित ने फोन के माध्यम से कार्यालय अयोध्या से बात की तो वहां राम जन्मभूमि कार्यालय प्रशासन के द्वारा बताया गया कि प्रशासन द्वारा किसी को भी अयोध्या के अंदर आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में यहां से कोई भी हरदोई आकर वहां की पावन पवित्र मिट्टी को ले जा नहीं सकता है, लेकिन वहां यह जानकारी दी गई थी कि नए पात्रों में हरदोई के दोनों तीर्थों की पावन मिट्टी को विधिवत पूजन करके कोरियर कर दिया जाए। सदस्य ट्रस्ट बाबा मंदिर हरदोई विष्णु दीक्षित, कपीश चतुर्वेदी, ध्रुव मिश्र, प्रशांत मिश्र व अजितेश सिंह ने हरदोई बाबा महाराज के दरबार तथा श्रवण देवी शक्तिपीठ की पवित्र पावन मिट्टी का पूजन अर्चना अयोध्या धाम के लिए कोरियर के लिए माध्यम से भेजी है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। श्री हरदोई बाबा मंदिर जो कि हरदोई का पौराणिक मंदिर है, वहाँ से जो है बीती शाम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय जी से बातचीत होने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि यहाँ मंदिर की पवित्र मिट्टी और श्री श्रवण देवी मंदिर जो कि हरदोई का एक शक्तिपीठ है देवी जी का, वहाँ की पवित्र मिट्टी को भेज के श्री राम जन्मभूमि की शिलान्यास के समय उसमें इसकी पूजा अर्चना के साथ में यहाँ की भी मिट्टी को अर्पण किया जाए, जिसलिए आज हम सभी बंधुवर मंदिर श्री हरदोई मंदिर में एकत्रित होकर विधिवत पूजा अर्चना करके दोनों जगहों की मिट्टी को जो है सुशोभित करके और जो है अपने पौराणिक मंदिर की एक पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज अयोध्या के लिए इस मंदिर को रवाना कर रहे हैं। श्री राम भगवान जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बस जी जय श्री राम। आज दिनांक 27 जुलाई 2020 को श्री हरदोई बाबा मंदिर जो कि हरदोई का बहुत ही पौराणिक मंदिर है, तो बीती शाम जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय जी से बात होने के बाद में मेरी हम सभी बंधुवरों ने और मंदिर ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि श्री हरदोई बाबा मंदिर की पवित्र मिट्टी और श्रवण देवी मंदिर की पवित्र मिट्टी को श्री राम जन्मभूमि के लिए मंदिर स्थापना और शिलान्यास के लिए वहाँ पर भेजा जाए, जिससे कि जो है हमारी आस्था और हमारे सबके जो मन में श्री राम को लेके भक्ति है, भक्ति उत्सर्जन जो है वो पूर्ण हो सके, और इसी कामना के साथ में श्री राम जन्मभूमि का कार्य निरंतर मंगलकारी तरीके से जैसा अभी तक शुरुआत होने जा रहा है आगे चलता रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को जय श्री राम। और कोरोना काल खत्म होने के बाद में हम सभी एक बार पुनः श्री राम जन्मभूमि के दर्शन हेतु कार्य सेवा करने जरूर जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.